चार दिनों में टोरंटो के साथ एक बात पर खुश आमदेद, डाउन टाउन टोरंटो मेरे बिहाइंड पे तकरीबन यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। ये मेरे एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, 6:49 हुए हैं शाम के। उस तरफ आप देखें सूरज ग्रूब होने वाला है। सूरज निकला था आज जनाब 7:20 पे और ग्रूब होगा 7:29 पे। बर्फ़ पे ढेर बाकी है अभी, 2 हफ्ते से पहले पड़ी थी काफ़ी बर्फबारी, उसके बाद से अभी तक ये हाल है। आप देख रहे हैं 18 डिग्री टेम्परेचर है, 6 डिग्री फीस लाइक हो रहा है, एक हवा चल रही है, ज़्यादा ही है क्योंकि हल्का हल्का आज मेरा मुझे बुखार चढ़ गया। कल से थोड़ा जिसमें दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये शेयर करता हूँ कि ना 6:30 बजे के करीब लाइफ वर्किंग डे पे, मंडे आज पीर का दिन है और तारीख 20 मार्च और इस्लामिक तारीख 28 शाबान, रमज़ान करीब है। वो जो झुरमट में थोड़ी नजर आ रही है वो मस्जिद है, इधर किसी ने कट कर दी है, ताज़े ताज़े निकल आएंगे गर्मी में। ये चाइनीज़ फूड स्टोर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है, सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बरवक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए, आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। यह हमारी मेन आर्टरी है लॉरेंस, इस लॉरेंस एवेन्यू लॉरेंस है, लॉरेंस एक फैमिली थी उसके नाम पे ये रोड है। वो मस्जिद हमारी पीछे, स्कूल, हाई स्कूल, टेक्निकल स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल, उनके 12वीं क्लास तक ना स्कूल ही कहलाता, पाकिस्तान में 11वीं 12वीं कॉलेज कहलाता ना स्कूल कहलाता, कॉलेज यहाँ पे कहलाता है जो 12 क्लास के बाद आप मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह करते हो ना उसको कॉलेज कहते हैं, वरना 12 क्लास के बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हो उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये स्ट्रिप प्लाजा होते हैं, एक जैसे शॉपिंग मॉल होता है और हमारे पाकिस्तान में अलग अलग दुकानें बनी होती घर के नीचे या अलग से भी, तो वो स्ट्रिप प्लाजा कहलाता है। यहाँ पर उस तरफ सबवे है, आरटी सिस्टम, और उधर कैनेडी से लेकर पूरा डाउनटाउन उधर होते हुए मिसिसागा में किपलिंग स्टेशन तक वो सबवे सिस्टम है। आरटी और सबवे में ये फ़र्क है कि आरटी स्लोअर और छोटी होती है और छोटे ट्रैक्स पर चलती है इनर, क्योंकि वहाँ कैनेडी पे ये सबवे सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से स्कार्बो को कनेक्ट करती है फिर ये आरटी। ये देखो बर्फ जमी पिघली, इसीलिए इन्होंने लोहे का डोर बंद किया हुआ है, पूरा पॉइंट बन गया खड्डे में ना, प्लस टेम्परेचर, रेन पड़ी, सूरज की किरण पड़ी, शुआ पड़ी, तो ये हाल है। 1.7-1.8 मिलियन में ये घर बुक हो रहे हैं। अभी बुक तो कोविड के बाद हुए थे इमीडिएटली, फिर वो रुक गई काफ़ी चीज़ें, अभी इसमें काम में तेज़ी आई है। पहले यहाँ स्कूल होता था डेविड एंड मैरी थॉमसन, और इसी तरह उस तरफ मिडलैंड पर एक स्कूल होता था बेंडेल, उन सबको मर्ज करके वहाँ बिल्कुल जो बैकग्राउंड में ऐसे नज़र आ रहा है जूम करने की कोशिश करता हूँ, ऑब्वियसली पोस्ट एडिटिंग मतलब एडिटिंग करते हुए ना, तो वहाँ पे सारा इनको मर्ज कर दिया हमने। थोड़ी वॉक करते हैं, ये ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक का रश जो है दोपहर में 3:30 बजे से बेसिकली शुरू हो जाता है, क्योंकि 3:20 पर स्कूलों की छुट्टी होती है, जैसा कि मैंने कहा 12वीं क्लास तक भी है स्कूल ही होता है। ये इन घरों की तस्वीर देखने में ऐसे बन जाएगी, गाड़ियाँ भी यहीं आपको लेनी पड़ेंगी, आपको घर नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ रंग के झंडे ही अच्छे खासे के प्रेजेंट कर रहे हैं कलर को, समझ गए होंगे आप। तो अभी 7 बजने वाले हैं ना, तो ट्रैफिक थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे ट्रैफिक का असल रश होता है 4 बजे पी, 4:05 से 6 बजे तक, क्योंकि यहाँ 7 बजे से ऑफिस शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में जैसे मैं कराची से, वो लांडी करेंगी इंडस्ट्रियल एरिया, उसका साइट इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे भी 7-5 बजे काम होता है, लेकिन उसे फैक्ट्री तक नहीं, यहाँ पे दफातर वगैरह में भी इतना इस तरह काम होता है।
और ये भी होता है कि कुछ लोग 7 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं, 8 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं, 9 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, या 7:30 बजे आते हैं, 3:30 बजे चले जाते हैं, इस तरह से भी होता है। और बाज़ दफ़ातर में आपके पास ऑप्शन भी होता है कि अगर आप 7 बजे आओगे 3 बजे तक काम है, अगर आप 7 के बाद आओगे तो 7:30 से काउंट होगा और 3:30 तक आपको काम करना होगा। तो ये मुझे इनके दफ्तर की गाड़ियाँ लग रही हैं, दफ्तर की गाड़ियाँ इतनी सारी, सेल्स ऑफिस पार्किंग, कितने लोग आज फैसला करने आए तो घर लेना नहीं लेना, वो क्रेन इनकी। तो ये लॉरेंस एवेन्यू उस तरफ चल रहा है मेरे मिडलैंड एवेन्यू, ये है उधर वेस्ट है, उधर ईस्ट है, उस तरफ चल रहा है मेरे ब्रिमलियर रोड। तो ये मैंने दोनों कोने इस तरह बताया, ब्रिमलियर रोड और उधर मिडलैंड एवेन्यू, क्योंकि लॉरेंस एवेन्यू तो बहुत बड़ा है, उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ। वैसे तो आपको उससे पता लग ही रहा होगा मिला टाउन हाउसेस। ये बस हो गई 54, ये रेगुलर बस है 54 एग्लिंगटन। 54 का मतलब हो गया ये एक ही रूट पर सीधी सीधी चलती रही, इस पर देखो लिखा हुआ एक्सप्रेस 954 के साथ 999 इजाफी लगाया तो एक्सप्रेस सर्विस हो गई। अभी देखो एक और 54 आ गई है, ठीक है, ये सिंपल 54 है, और वो वाली तो नॉट इन सर्विस आ रही है। तो उस तरफ से जो बस वापस आएगी वो 54 ABCD हो सकती है, यानी वो आगे जाके कोई इस तरफ मुड़ जाएगी, कोई सीधी निकल जाएगी, कोई इस तरफ मुड़ जाएगी, अपने एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। तो 954 एक्सप्रेस सुबह रश आवर में 6-7 बजे से शाम 7 बजे तक चलती है सिर्फ, और ये सिर्फ मखसूस स्टॉपों पर रुकती है ना, सारे अगर रास्ते में 50 स्टॉप आते हैं तो 10 स्टॉप्स पर रुकेगी बस, और जो बाकी वाली होंगी हर जगह रुकेगी। क्यों कब रुकेगी? जब कोई बंदा स्टॉप पे खड़ा होगा या अंदर से टिंग करके कोई स्टॉप का बटन प्रेस करेगा मुझे उतरना है, वरना वो भी चलती चली जाएगी। एक्सप्रेस वाली तो रुकेगी ही ना, जो उसके मखसूस स्टॉप है, उसके अलावा वो रुकेगी। ये हमारे यहाँ से बिजली के बड़े बड़े पायलान जा रहे हैं जिन पे हैवी ड्यूटी तार हैं, वो देख रहे हैं, वो लगे हुए रास्ते क्रॉस करते जाते हैं। मेरे इस तरफ लेक ओंटारियो है और उसके पास US है, बफलो लगता है गाड़ी में, वहीं से ऐसे घूम के आगे निकल लो। मेरे ख्याल में यहाँ से 7-8 घंटे की ड्राइव है तो न्यूयॉर्क पड़ता है। हमारे घर के करीब पार्क है, घर के साथ भी पार्क है, जहाँ मैंने स्कूल का इशारा किया था उस तरफ भी पार्क है, वो छोटा पार्क है, उस तरह बड़ा पार्क है। थॉमसन फैमिली का 18वीं सदी से उनका घर वर भी बना हुआ है, तो उनके नाम पे थॉमसन मेमोरियल पार्क है, मेमोरियल याददाश्त के लिए कहते हैं ना, क्योंकि एक्सप्रेस नेटवर्क पर आ गई तो हर स्टॉप पर नहीं रुकेगी, अपने मखसूस पर ही रुकेगी। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन कहते हैं, जो टोरंटो में चलती है, ये टोरंटो ईस्ट और नॉर्थ और स्कारबो इस एरिया को कनेक्ट करती है। टोरंटो सिटी अलग है और जो ग्रेटर टोरंटो एरिया अलग है, वो तो वहाँ हैमिल्टन वगैरह था कि इधर पिकरिंग वगैरह ईस्ट में, और इधर जो मार्कम वगैरह सब को भी शामिल किया जाता है इसमें। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा कारोबार होते हैं ना वो और 11 बजे खुलते हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट कारोबार होते हैं ना पाकिस्तान में, और 12-1 बजे तक भी खुलते हैं। यहाँ पे भी 11 बजे तक जो प्राइवेट लोगों का कारोबार होता है वो 11 बजे तक ही खुलता है, ऐसा है यहाँ पे भी। जैसे वहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा स्टोर है जो मस्जिद के साथ मैंने देखा था पहले, तो उसका नाम है लेट नाइट पिज़्ज़ा, तो मेरे ख्याल में शाम में खुलता है, सुबह 3-4 बजे तक खुला रहता है। एक मेरा मिसिसागा जाना हुआ तो किसी ने यूके से मेरे रात वीडियो पहले सोमाली रेस्टोरेंट की विजिट करने की देखी थी, उसने कमेंट किया, तो किसी का उसी के कहने पर गया, दोस्त ने भी बताया था, तो ईस्टर रेस्टोरेंट ना, ईस्टर ISTER सिस्टर इस्टरलिन ने सोमालिया से उन्होंने बनाया था, उनका बेटा मोहम्मद एलमिया भी उसको चला रहा। तो बड़ी हैरानी हुई थी कि 24 घंटे उसमें डाइन इन है, वरना यहाँ 10-11 बजे तक बंद हो जाता है, 10 बजे 11 बजे बंद होने वाला, 10 बजे आपको बोलेगा हम लोग पैकअप कर रहे हैं ना, तो 11 बजे बता रहे 11 बजे 10:15-10 बजे वो कस्टमर लेना छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि रेगुलर बस है,
अब वो बंद खातून जा रही हैं चलती, उन्होंने उतरना होगा, उन्होंने स्टॉप साइन दबाया होगा तो उतर गई, नहीं तो कोई बंदा कोई खड़ा होता पैसेंजर बैठने के लिए तो भी ये बस रुक जाती। नस्बतन अभी तक ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है। क्योंकि बाज़ लोग 9 to 5 मिसिसागा वगैरह में भी जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, और टोरंटो एयरपोर्ट भी मिसिसागा में, इसको पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, लेकिन वो है मिसिसागा, ग्रेटर टोरंटो में तो है लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर टोरंटो में नहीं है। तो वहाँ जॉब करते हैं, 50 किलोमीटर है, हाईवे पर रश होता है, यहाँ पे ऐसा ही रश होता है भाई, हाईवे पे हो जाता है जैसे पाकिस्तान में होता है, कोई शक्ल नहीं उसमें रजा शाला को, लेकिन सब अपने अपने उसमें चलते रहते हैं लाइन में, तो साफ किताब बनता रहता है। लेकिन मेरी तरह ये बहुत से आ रहे हैं तो वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं रोडों पर, काम ना भी चाहिए भाई, कहाँ यहाँ पर लगा भाई नहीं है, इस पता नहीं लगा शाम पास कर दूँ। ये वो उस तरफ की बस है ना, देखो उसको लिखा हुआ 54B। अच्छा कि कभी सिग्नल है, ये पानी बड़ा खतरनाक हो जाता है, टेम्परेचर माइनस हो जाए ना ये जम जाएगा, शीशा बन जाएगा और आप काम में आ सकते हो, रस ले सकते हो। देखो बर्फ़ में नमक मिल के, गाड़ियाँ चल के, पैदल वाले चल के, कीचड़ मिल के, कैसी काली पड़ गई। ये है वो थैम्पसन पार्क, अभी उस तरफ चलता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वैसे तो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, बड़ी हरियाली, खेत गंदुम बेच रहा है, गंदुम यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से गायब हो रही है, महंगी हो रही है दुनिया में। पाकिस्तान में कराची में 128 रुपये किलो आटा मिल रहा है, भाई खुल गया मेरे हाथ फ्रीज हो गए, मैं ग्लव्स भी नहीं लाया हूँ यार, क्यों नहीं खुल रहा है। आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्रोवर्स रिटेलर, कितना ग्रीन ग्रीन है, सब्जियों के पौधे बेच रहे हैं, स्टोर आवर्स भी लिखे हुए हैं, ग्रोवर्स रिटेलर, ड्रग मिलती है भाई, मरिजुआना मिलता है, आवर बिजनेस इज कैनाबिस, नशा भेज रहे हो सिंपली, अब आप कुछ भी कह लो, ओपन है, आए पिए, पता नहीं पी सकते हैं, पिला सकते हैं, जा सकते हैं, नशे ले जा सकते हैं, ये नहीं मिला पता। ये बिल्डिंग जितनी पुरानी लग रही है देखने में, अभी अपना लॉरेंस एवेन्यू छोड़ के वो सूरज देखो वहाँ तक आ गया है, मैं ब्रिंगलिया रोड पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर है हाईवे ना 401 जो हमारी मेन हाईवे है, और ये बहुत लंबी हाईवे, तो उसके अलावा जो है ना मैं साउथ पे आ रहा जा रहा हूँ ना तो रश कम होता जाएगा, और मैं डाउनटाउन से भी बहुत दूर हूँ तो वो रश तो आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी होती है किराए पे ले लो, अपना सामान वामान ढोना है ले जाना है, यू हॉल, ये वो, ये किस्ट प्लाजा आ गया, अलग से दुकानें बनी हुई हैं, एनिमल्स लेने, क्राउन सैलून। सर्दी इस दफ़ा ओवरऑल इतनी नहीं पड़ी यहाँ पे टोरंटो और गिरदो नवा की बात कर रहा हूँ, ठीक है थोड़ी बहुत ही पड़ी तो वो भी लेट ही पड़ी है, समझो 15 फरवरी के बाद बर्फबारी भी ना, अब की बार जो बर्फबारी हुई है 2 हफ्ते पहले वो अभी तक
पढ़ी हुई है, वरना पहले पढ़ती थी और एक तो इतनी पढ़ती नहीं थी, पढ़ती थी गायब हो जाती थी एक दो दिन में, ज़्यादा पढ़ती थी तब भी तीन चार पाँच दिन में गायब हो जाती। इस दफ़ा दो हफ्ते से ज़्यादा रुकी हुई है। घर में किसी ने डेंटिस्ट्री बनाई हुई है, ये भी मैंने नोट किया है यहाँ पे, क्योंकि अब अगर छोटे शहर जाना हुआ वहाँ तो यार प्राइवेट घरों में दुकानें बनी होती हैं। देखो मेल्ट हो गया आस्ते आस्ते, अच्छा लग रहा है यार। ऐसा घर किसी छोटे शहर में हो ना और ग्रीनरी ज़्यादा, क्या ही बात है। ये मैंने फुल देखा है यहाँ पे, यहाँ पे भाई मज़ा आएगा रहना है ना, यहाँ पे अगर रहना है तो आपने छोटे टाउन सिटी में रहना है। आप जाके देखो, रह के देखो, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जाके देखो, पता लगेगा मज़ा। रोजगार तो आदमी ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं। डेलिया क्रेसेंट, इस तरह शॉर्ट कोड में लिखा होता है ना, CRES क्रेसेंट, ब्रिमली RD रोड, एवेन्यू AV, इस तरह ना ड्राइव वो क्या लिखा, जैसे ग्रेट गोल्फ ड्राइव तो DR लिखा जाएगा। कल मेरी कोशिश होगी ज़रा लेक जाते हैं, सुबह सुबह लेक का मायना करके आते हैं कैसा रहता मंजरनामा। ये वाले पौधे मुझे समझ में नहीं आते यार, ये सर्दी वगैरह हो तब भी ठीक है, अभी उनका हल्का हल्का कलर जो है काफ़ी डल सा पड़ गया, आप करीब से देखो ये पीला पीला हट सी आ गई है, लेकिन ये नहीं जलते यार। उस वाले को भी आप देख लो, उस वाले को भी आप देख लो, वो ग्रीन है अभी तक, ये सब सूख गए। हेलो कर दिया उसके घर की, ये होती है TTC का पोल ना, आपने बस में स्टॉप पर खड़ा होना, वहाँ खड़े होगे बस नहीं रुकेगी, आप यहाँ खड़े होगे तो बस आएगी तो यहाँ रुक जाएगी, और इस पर लिखा होता कौन सी बस जानी 29 नेक्स्ट व्हीकल, इस पर टैक्स करके मालूम कर सकते हैं, ये टैक्स करें ये नंबर इस पर तो मालूम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे नाइट वाली बस आ रही होती या एक्सप्रेस बस आ रही होती तो लिखा होता 921 का मतलब है एक्सप्रेस सर्विस। वो रात वाली होती तो नीले में निशान होता और एक चांसा बना होता ना कि रात की सर्विस भी इस स्टॉप पे अवेलेबल है, यहाँ के रुकती है। देखो फिर आइए लाथल एवेन्यू, क्या जीप है यार ये तो, मतलब पता ही कि इस तरह ट्रक की एंट्री अलाउड नहीं, 30 की स्पीड, रेजिडेंशियल एरिया, एरिया पिकिंग, नो पार्किंग ऑन दो वो साइड जब बोल जब ये निशान। क्या प्यारा चर्च है, अच्छा सा बना हुआ फ्रंट एरिया, इतना छोटा बना ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओए यार ये घर कितना प्यारा है माशाल्लाह यार, देखो आप पे ऐसे बाहर निकलो ना, अब ताज़ा ताज़ा मुँह हाथ धो के निकलोगे ना ठंड में तो ठंड ज़्यादा लगेगी। और इसी तरह वो जो एक बंदा साइकिलिंग करता है ना फिनलैंड वगैरह में भी, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी, गर्लफ्रेंड जो भी, तो मटिल्डा नाम का, वो अब उसके साथ नहीं है, बंदे के साथ। बंदे ने बताया कि यार भाई मेरा तो 10 साल का प्लान है आगे साइकिलिंग करने का, तो बताता है कि जितनी आपकी नेचुरल स्किन का जो ऑयल है ना वो चेहरे पर रहेगा तो आपको ठंड जो है ना कम लगेगी। वाह क्या बताया बंदे ने, तो अगर कोशिश पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, नहीं भी पसंद आएगा यूट्यूब का लगा देखा मैंने छूटे छूटे यूट्यूबर्स वगैरह भी आपको रिकमेंड करता रहता है, आपके ही अपने सर्च क्राइटेरिया की मुनासिबत से जो आप देखने के तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, बाकी खुद देखने वाले भी कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, चलो कमेंट कर दो कोई नया यूट्यूबर सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तो लिख दो जाते हैं तो कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा किसी का भला होगा, और शायद दोबारा टकराओ तो बोलो चलो यार इसने ये इम्प्रूव किया, मैंने कोई इसको ऐसी चीज़ बताई थी बताने की कोशिश की थी तो मैंने वो उसको जो है
अपने उसमें कंटेंट में अपनी वीडियो में शामिल करने की कोशिश की। चैनल मैंने एक्टिव इसलिए रखा नाम कि जो कुछ भी जिंदगी में सुबह शाम होता ना उसको बात करना, शेयर करना, आस्ते आस्ते चैनल में चीज़ें लाने की कोशिश करना अच्छा लगता है। और अब एक नया एक दो चैनल भी क्रिएट किए मैंने और एक का था तो टेक से बता देंगे, टेक जो कि आम बंदे की समझ और ज़रूरत के लिहाज से होती है, उसकी ज़्यादा फैंसी और जो है ना उसकी खुद की टेक्निकलिटीज़ में जाते हुए नहीं। तो अपना अपना ख्याल ख्याल रख, थोड़ी मिलती मिलते अगली वीडियो में। जाते थे गाड़ियाँ देखो भाई क्यों खड़ी हैं तो नहीं है वहाँ भी, घर भी तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह, वहाँ से वहाँ तक देखो ना तब नहीं भाई सॉरी मेरी गलती यहाँ तक है बेसिकली। तो अपना ख्याल ख्याल रखो, मिलते अगली वीडियो में। असर है ना शाम का 7 बज रहे तो ट्रैफिक है पाकिस्तान में 7-8-9 तो मतलब पीक हो जाता है ट्रैफिक का ना।